राम राम जी। कल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ी न्यूज आई है कि जो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर दिए जा रहे हैं हरियाणा के अंदर, उन नंबरों के ऊपर जो है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगाने का काम किया है। ठीक है, खबर बिल्कुल सही है, लेकिन इसका सीटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखने वाली बात है। एक एक चीज सारे की सारी बताऊंगा। देखो, खबर यह है अखबार के अंदर या न्यूज एरी हो या देख लो, 143 AE की भर्ती में सामाजिक आर्थिक के आधार के अंक जो है उन अंकों के ऊपर रोक लगाने का काम किया गया है। यह खबर देखने लग रही, देखो इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर एक और मामला गया था। उस मामले के अंदर दीपक कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एक मामला था। उस मामले के अंदर हाईकोर्ट ने इन जो सोशियो इकोनॉमिक आधार के जो नंबर दिए जा रहे थे उनकी तारीफ की थी हरियाणा सरकार की, कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है कि जो गरीब जो बच्चे हैं जिनके घर में कोई जॉब नहीं है उनको ये नंबर मिल रहे हैं। लेकिन अब ये जो मामला जो है सहायक इंजीनियर की भर्ती जो थी इसके अंदर जो है सामाजिक आर्थिक आधार के जो 10 नंबर जो थे उनके ऊपर रोक लगाने का काम किया गया है। ठीक है, सीटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी करने वाले यू पोस्टर दिखेगा, ली स्वैप डाउनलोड करना है 9699970000 नंबर है, लाइनमैन की तैयारी करनी, सी ग्रुप की तैयारी करनी, हरियाणा प्रदेश का सबसे सस्ता और गुणवत्ता वाली एजुकेशन, अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो आंख बंद करके आप ये बैच ले सकते हो। देखो सीटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबसे पहले जो खबर जो है आपने ध्यान रखना, इस खबर के अंदर सारा सौदा मैं निचोड़ में बता दूंगा ना, टाइम खराब मैं करता को नहीं। इस मामले के अंदर दो कमियां रही है। देखो सबसे पहली तो ये मामला रहा है कि जो याची के जो एडवोकेट थे उसने एक मामला दिया है कि हरियाणा सरकार ने जो ये 5-5 नंबर 10-10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक दे है ये इनकी एक कंडीशन है कि हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए। तब कोई प्रदीप कुमार वर्सेज भारत सरकार, कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय था सुप्रीम कोर्ट में, उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरे देश के अंदर जब नागरिकता एक है तो डोमिसाइल पूरे देश का एक है। यानी कहने का मतलब यह है कि भाई कोई भी राज्य सरकार अलग से अपने राज्य के निवासियों को नौकरी देने के लिए उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं कर सकती। यू कह के उसमें यू केस जो था या सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है कि भाई नहीं कर सकती, इसलिए भाई ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जा सकता जिससे केवल एक राज्य के जो उस राज्य के रहने वाले लोगों को ही नौकरी मिले, यह संविधान का उल्लंघन है। अब यो जब हाईकोर्ट के अंदर जब इस प्रदीप कुमार बनाम भारत सरकार का यो मामला जो या किसी राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हवाला दिया गया, तब क्या किया जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो है इसने क्या किया, जो HSSC और हरियाणा सरकार जो है इनको नोटिस जारी करके पूछा कि भाई इस मामले के ऊपर आपका जवाब क्या है। अब सबने बेरा भाई डिलाई रहो है क्योंकि अपना जो सीटी क्वालिफाई का था उसमें भी गड़बड़ करी थी इनने, उस मामले में भी एक टाइम पर जवाब कौन दिया, इस मामले में भी हरियाणा सरकार ने टाइम पर जवाब नहीं दिया, इसलिए कोर्ट ने इसके ऊपर अंतरिम रोक लगाने का काम किया है। ठीक है, अंतरिम रोक लगा दी। ALM का बैच है भाई, GSO का बैच है, JEE का बैच है, सारे बैच है लीस वेब के ऊपर। अब इसका सीटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो अगली सुनवाई पर सरकार जाग जाओगी, नोटिस वो दे दोगी, चाहो तो सरकार कर सका है, लेकिन इसका फिलहाल सीटी के ऊपर जहां तक एडवोकेट से मेरी बात हुई है, एक जो जाने माने एडवोकेट हैं उन्होंने कहा कि अभी सीटी के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ एक बात जरूर है, इन फ्यूचर भविष्य में इस केस का हवाला दे करके सीटी के ऊपर भी आने वाली भर्तियां जिसमें सोशियो इकोनॉमिक के नंबर मिलते हैं उनके ऊपर इन फ्यूचर जो है समस्या खड़ी हो जाओगी, इस केस का वाला देके उनके ऊपर भी सटे लगने का काम हो सकता है। लेकिन फिलहाल आपने घबराने के डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ भाई ज्यादा 2-2.5 नंबर अगर दे दे हैं जिसका घर में नौकरी नहीं है, 1,80,000 से कम है, गरीबों को अगर 1-2 नंबर दिया जाओ, जो देखो सुविधा वाले तो वैसे भी भाई पढ़ ले हो सारी चीजें, जो गरीब बेचारे मजदूर जो है वास्तव में जो गरीब है 1-2 नंबर दे दो तो 2 नंबर कोई ज्यादा नहीं, इससे फालतू मिला वो गलत है, 2-2.5 नंबर देने चाहिए। ठीक है, तो अभी सीटी के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना है, सिर्फ इस भर्ती के ऊपर अंतरिम रोक लगाई, सिर्फ इस भर्ती के ऊपर, बाकी भर्तियों के ऊपर फिलहाल कोई इफेक्ट नहीं। हाँ आगे को बंदा इसको लेके कोर्ट में इस जो केस का वाला देके वो करेगा उसमें इफेक्ट पड़ सका है, इसमें कोई दो राय नहीं, अगर सरकार ने समय रहते इसके अंदर जवाब नहीं दिया तो। ठीक है, जय हिंद भारत माता की जय।